अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, एनु दुनिया चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने हाजिर हुए हैं, मेरी बहन के हाथ की रेसिपी है ये, जिसका नाम है मुरादाबादी मटन पुलाव। तो हमने सबसे पहले हरे मसाले ले लिए हैं, जिसमें प्याज, लहसुन, अदरक, हरा धनिया है और खड़े गरम मसाले भी है। हमने मटन को अच्छे से धो लिया है और अब हम उसमें 3 से 4 टमाटर कट करके डाल देंगे। उसके बाद जब हम इसमें डालेंगे सॉल्ट और उसके बाद इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर। हमें गोश्त को गलाते वक्त सिर्फ टमाटर, हल्दी पाउडर और नमक डालना है और फिर इसमें हमें पानी डालकर इसे गलने के लिए गैस पे रख देना है। जब तक हमारा गोश्त गल रहा है तब तक हमने मसालों को पीस लिया है। देखिए, हमारा गोश्त गल चुका है और मसाले भी हमने पीस लिए है। इसमें हमने 8 से 10 हरी मिर्च और लाल मिर्च लिए है, थोड़ा ज़ीरा लिया है प्लेट में और काली मिर्च, धनिया है और एवरेस्ट का बिरयानी मसाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब हम गंज को गैस पे रख देंगे और उसमें हम तेल डालेंगे। तेल हम 6 से 7 डोंगे डालेंगे क्योंकि पुलाव रूखा नहीं बनना चाहिए। तेल मसाले अच्छे डालने से पुलाव में टेस्ट भी अच्छा आता है और पुलाव अच्छा भी बनता है। तो अब हम तेल डाल देंगे। तेल को हम गरम होने देंगे। जब हमारा तेल गरम हो जाएगा तो हमने जो लिए थे लाल मिर्च, ज़ीरा, कलमी, काली मिर्च वगैरह, वो सब भी डाल देंगे और हमने जो पेस्ट बना के रखे थे मसालों का वो भी उसमें डाल देंगे। हमें इसे अच्छे से भूनना है। इसमें हमने खड़ा गरम मसाला भी डाल दिया है पिसा हुआ और अच्छे से धो के हमें प्लेट का पानी भी उसमें डाल देना है। सब कुछ अच्छे से धो के डालें, कुछ भी वेस्ट ना करें। अब इसे अच्छे से भूनेंगे हम। देखिए, अब हमने इसमें 2 चम्मच धनिया पाउडर भी डाल दिया है। हम मुरादाबादी पुलाव बना रहे हैं फ्रेंड, तो इसमें मसाले वगैरह अच्छे जाते हैं और इसका टेस्ट भी अच्छा आता है खाने में। अब हम इसमें हमने जो एवरेस्ट का बिरयानी मसाला लिया है वो भी डाल देंगे। अगर आपके यहाँ ये नहीं मिलता है तो आप कोई दूसरा भी गरम मसाला डाल सकते हैं या फिर आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। मसाला डालने के बाद इसे और अच्छे से भूनेंगे थोड़ा और अब हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर। 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालने के बाद अब हम इसमें हिरोती पाउडर भी ऐड कर देंगे। देखिए, हमने इसमें हिरोती डाली है, 1 चम्मच से थोड़ी कम ही डाली है क्योंकि इसमें ऑलरेडी हमने खड़ा गरम मसाला वगैरह भी डाला है, लाल मिर्ची भी डाली है, तो उसका भी तीखापन आ जाएगा। इसको अच्छे से हमें भूनते जाना है जो जो हम मसाले डाल रहे हैं, ताकि ये कच्चा ना लगे। अब हम इसमें हमने जो मटन बॉईल करके रखे थे वो भी डाल देंगे और इसमें हम थोड़ा दही भी डालेंगे। दही डालने से भी टेस्ट और अच्छा हो जाता है। मेरी बहन पुलाव बहुत अच्छा बनाती है, आप लोग भी इसे घर में ज़रूर ट्राई करें और इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दूसरों के साथ भी इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करें। देखिए, दही डालने के बाद भी हमने थोड़ा भून लिया था। अब हम इसमें अदहन छोड़ेंगे, जितने हमारे चावल है उस हिसाब से। आपको मसालों को अच्छी तरह भूनते रहना है ताकि सारे मसाले अच्छे से भून जाए। आप जितने चावल आपको डालना है उस हिसाब से आपको इसमें अदहन छोड़ना पड़ेगा और चावलों को हमने पहले ही धो के रख लिया है। देखिए, मसाला अच्छे से हमारा भुन गया है। अब आप इसमें अदहन छोड़ सकते हैं। हमने 3 पाव चावल लिए थे और 1/2 किलो मटन था हमारा, तो इस हिसाब से हमने इसमें पानी छोड़ दिया। हमारा अदहन औटने लगा है, हमने पहले ही चावलों को धो के रख लिया था। तो अब हमने जो चावल धोए हैं उसको इसमें डाल देंगे। आपको रेसिपी पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर करें फ्रेंड। हमने चावल डाल दिए इसमें, अब हम उसको धीरे धीरे पकने देंगे जब तक हम रायता तैयार कर लेंगे। इसमें हमने 2 हरी मिर्च, धनिया पत्ता,
ज़ीरा और लहसुन की दो तीन कली का पेस्ट बना के डाल दिया है और उसमें नमक डाल के इसे अच्छे से घोट के रख देंगे। जितना आपको गाढ़ा करना है गाढ़ा रख सकते हैं और जितना पतला करना है पतला रखिए। ये आपके ऊपर है, हमारा रायता तैयार हो गया है। अब हम देखेंगे हमारा पुलाव कैसा बना है। देखिए हमारा पुलाव दम होके तैयार है। इसके ऊपर आप फूड कलर भी डाल दीजिएगा, उससे कलर और अच्छा आ जाएगा। देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। इसे हमने सर्व कर लिया है प्लेट में। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यमी था। आप भी इस रेसिपी को अपने घर पर ट्राई कीजिए और हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।